नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में, और वो मेडिसिन हमें जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें जनरल वॉन्ट ऑफ पावर होती है, यानी कि उनको शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी होती है, मेंटल वीकनेस होती है, फिजिकल वीकनेस होती है, उन सारे केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों काली फॉस्फोरिकम। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो न्यूरास्थीनिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, नर्व टॉनिक के रूप में काम करती है। बहुत सारे वे लोग जो दिन भर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, सेल्समैन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है अपनी जॉब करने में, बहुत घूमना फिरना पड़ता है, घर पे आके वो लोग एकदम थक जाते हैं, उनके शरीर में ताकत नहीं बचती है बिल्कुल भी, उन कंडीशंस में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। वो सारे पेशेंट जो बहुत सारे लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं और उनके शरीर में अब शक्ति बिल्कुल नहीं बची है, उनका खाना पीना जो है वो बिल्कुल ज़्यादा वीक हो गया है, उस कंडीशन में काली फॉस का यूज़ किया जा सकता है। कैंसर के पेशेंट्स में काली फॉस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, उस समय जबकि उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके अंदर एक मेंटल वीकनेस डेवलप हो जाती है, एक फिजिकल वीकनेस डेवलप हो जाती है, एक प्रोस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन में काली फॉस का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। लेबर के केसेस में, प्रोलॉन्ग लेबर के वे केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा होता है डिलीवरी के दौरान, उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, एकदम से प्रोस्ट्रेशन हो जाता है और वो बिल्कुल एकदम निढाल पड़ जाती है, वो प्रेशर नहीं लगा पाती है एब्डोमिन पे। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी कुछ समय पहले 3 इडियट नाम से, उसके एंड में जो लेडी थी वो एकदम बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा पा रही थी और वो बिल्कुल बेहोश होकर लेट गई थी। तो उस कंडीशन, वो कंडीशन को आप देखिए, वो जो कंडीशन है वो प्रॉपर कंडीशन है काली फॉस की, आंखें बिल्कुल नहीं खुलती हैं, बिल्कुल एकदम से वो लेट गई है और उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची है, चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका है, ये जो कंडीशन है ये काली फॉस की कंडीशन है। ये जो पेशेंट होता है, यदि हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा शाई होता है, इसको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, लोगों से ये थोड़ा कम बात करता है, इसके साथ साथ इसके अंदर एक इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाती है क्योंकि ये अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा कमजोर महसूस करता है, कॉन्फिडेंस की इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है और इसी कॉन्फिडेंस की कमी के कारण इसको निर्णय लेने में भी बड़ी परेशानी होती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े खरीदने जब जाते हैं या फिर कोई और चीज़ खरीदने जब जाते हैं तो पता नहीं उनको कितनी बार सोचना पड़ता है, कितनी बार वो सामान को चेंज करते हैं, ये सारी कंडीशंस में यूज़ होती है, इररेजोल्यूशन की कंडीशन है ये, इसमें काली फॉस यूज़ होती है। इसके साथ ही यंग एज के वो लड़के जो घंटों घंटों तक पढ़ाई कर रहे हैं, आपने देखा है आजकल तो एक मतलब एक ट्रेंड है कि सुबह स्कूल जाना है, दोपहर में कोचिंग जाना है, रात तक कोचिंग चलती रहती है, बच्चा पूरे टाइम पढ़ता रहता है, ना खेलने का उसको टाइम है ना कुछ, और इसके कारण उसके अंदर एक मेंटल वीकनेस डेवलप हो जाती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आपको लगता है, या कोई स्टूडेंट है और आपको लगता है कि उसको ये सारे सिम्टम्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक कॉम्बिनेशन, काली फॉस 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट्स सुबह और शाम देना शुरू करें। इसके साथ ही बेकोपा मोनियरी का मदर टिंचर आता है, उसमें 10-10 बूंद सुबह और शाम आधे कप या एक कप पानी में मिलाकर दें, कंटिन्यू इसका यूज करें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 4-5 महीने 6 महीने तक इसका यूज करें तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके बच्चे की जो कंसंट्रेशन की पावर है वो बहुत स्ट्रांग होने लगेगी, उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। वे बहुत सारे ऐसे लोग इसकी जरूरत के अंतर्गत आते हैं, या उन लोगों को ये मेडिसिन जरूरी है जिन लोगों में सिरदर्द की शिकायत होती है, खास तौर से जब वो सूरज की रोशनी में जाते हैं तब उनको सिरदर्द होने लगता है, लेटने से उनको आराम मिलता है, एनीमिया के केसेस में काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के सिरदर्द में बहुत अच्छा काम है, जैसा कि मैंने अभी कैल्केरिया फॉस के वीडियो में आपको बताया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेट दर्द में कैल्केरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है, ठीक उसी तरह हेडेक की यदि कोई प्रॉब्लम है, मेंटल वीकनेस के कारण, ओवर एक्सर्शन के कारण, बहुत ज्यादा पढ़ाई के कारण यदि सिरदर्द होता है स्टूडेंट्स में, तब उसमें हेडेक में बहुत अच्छी मेडिसिन है काली फॉस 6x पोटेंसी में, हम इसको यूज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड नर्वसनेस के वे केसेस जिनमें हिस्ट्री होती है प्रोलॉन्ग्ड एक्सर्शन की, जिसमें हिस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा वीकनेस की, न्यूरास्थीनिया की,
नर्वाइन एनर्जी की जरूरत होती है। नर्व के टॉनिक के रूप में जब हमें इसका यूज करना है तब हम इसको 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं और इसकी दो दो बूंद दिन में चार बार हम ले सकते हैं, एक दो महीने तीन महीने तक बड़ी आसानी से ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आंखों की हम यदि बात करते हैं तो उन्हीं बच्चों में जो कि स्टूडेंट्स हैं, यंग एज के जो लोग हैं, उनको फोटोफोबिया की शिकायत हो जाती है, सूरज की रोशनी की उनको बड़ी समस्या होती है, थोड़ा सा धूप में जाने पर ही आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों में वीकनेस डेवलप हो जाती है, छोटी छोटी उम्र के बच्चों में चश्मा लग जाता है। ये सारी कंडीशन काली फॉस की तरफ इंडिकेट करती है। काली फॉस हम उन्हें 6x पोटेंसी में दे सकते हैं। आंखों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ड्रूपिंग ऑफ आईलिड की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनकी एक जो पलक होती है वो नीचे की तरफ झुक जाती है। तो आपने एक बहुत फेमस व्यक्ति को देखा है जिसकी एक आंख इस तरह से रहती है थोड़ी सी, तो उस तरह के केसेस में काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि कॉस्टिकम इसमें ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन यदि सिम्टम काली फॉस से मैच हो रहे हो तो उसमें काम करती है ये बहुत अच्छे से। और इसके साथ ही यदि हम कानों की बात करते हैं तो कानों में हमिंग की प्रॉब्लम होती है, बजिंग साउंड आता रहता है कानों में, और ये सब होता है मेंटल और फिजिकल वीकनेस के कारण, प्रोस्ट्रेशन के कारण। अब व्यक्ति जो होता है बहुत थक चुका होता है, आपने अपने घर में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, खासतौर से वे महिलाएं जो सुबह उठती हैं 5 बजे और रात को 10-11 बजे तक काम करती रहती हैं, उनको बिल्कुल भी समय नहीं है। एक बड़ी जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते हैं और उनको अपने लिए समय नहीं है, रेस्ट करने के लिए समय नहीं है, धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ता चला जाता है, धीरे धीरे उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, मेमोरी उनकी जो है वो वीक होने लगती है। तब उस कंडीशन में हम काली फॉस का यूज कर सकते हैं 6x पोटेंसी में। हालांकि डेमेंशिया के लिए, यानी कि जहां पर मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो रही है, उस समय बराइटा कार्ब एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, लेकिन तब जबकि वो सिम्टम्स से मैच कर रही हो। इसके बाद यदि हम बात करते हैं फेस की, तो सनकन फेस हो जाता है, चेहरा बहुत बुझा बुझा सा महसूस होता है, ऑयली फेस हो जाता है, बच्चे जो होते हैं वो कम उम्र में ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, ये लाइकोपोडियम का भी एक सिम्टम है। और काली फॉस में भी चूंकि उनको एग्जर्शन बहुत ज्यादा करना है और उस एग्जर्शन के कारण उनके शरीर में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी है, सही से खाना पीना उनका नहीं है, तब उस कंडीशन में हम काली फॉस का यूज कर सकते हैं। यदि हम इसके मुंह की बात करते हैं तो गम्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, जो टंग होती है वो एकदम ब्राउन कोटेड होती है, जैसे मस्टर्ड होता है उसके जैसी एकदम से कोटिंग उस पर आ जाती है। इसके साथ ही गले में इसको बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत होती है। यदि हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में एक खालीपन जैसा महसूस होता है, जैसे पेट में अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ये इग्निशिया में भी सिम्टम देखने को मिलता है, काली फॉस में भी इसी के जैसा सिम्टम है ये बिल्कुल। उस समय उस कंडीशन में भी हम काली फॉस का यूज कर सकते हैं। एब्डोमिन की यदि हम बात करते हैं तो एब्डोमिन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, डायरिया की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है, रात में इसको कभी कभी कोलिक की शिकायत होती है। डिसेंट्री के दौरान, मतलब डिसेंट्री के वे केसेस जिनमें एकदम बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है स्टूल के साथ, उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। कॉलेरा के केसेस में बहुत अच्छा काम है, जबकि स्टूल एकदम चावल के पानी जैसा बिल्कुल सफेद स्टूल निकलता है, उस कंडीशन में भी काली फॉस प्रोस्ट्रेशन के लिए चूंकि यूज किया जाता है, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली पानी की कमी के कारण बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन में हम पेशेंट के सिम्टम से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ साथ यदि कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दो दो बूंद हर एक घंटे में यूज करें और काली फॉस 6x पोटेंसी में चार चार टैबलेट्स या फिर 30 पोटेंसी में दो दो बूंद एक एक घंटे में यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट रिकवर बहुत जल्दी होने लगता है, जो एक जनरल वांट ऑफ पावर होती है वो हमें कालीफॉस और कार्बोवेज से मिलने लगते हैं। यदि हम इसके फीमेल जेनाइटेलिया की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर के या डिलेड लेबर के केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन है कालीफॉस, जबकि पेशेंट एकदम से लिथार्जिक हो चुका होता है, बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, तब उस कंडीशन में कालीफॉस का यूज किया जाता है। इसके जो मेंसेस होते हैं बहुत ही डिलेड मेंसेस होते हैं और इसके साथ ही स्कैंटी मेंसेस होते हैं, एक या दो दिन ही ब्लीडिंग होती है, ये बराइटा कार्ब का भी सिम्टम है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो इसको ब्राइट रेड ब्लड की ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कभी कभी हो जाती है। यदि हम मेल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो मेल जेनिटेलिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग जो बहुत ज्यादा काम करते हैं दिन भर, उनको यहां से वहां, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अप डाउन करते हैं, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं 8 बजे और रात को 10-11 बजे तक आते हैं, ट्रेन में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक एक दो दो घंटे ट्रेन में सफर करना है, एक एक दो दो घंटे बसेस में सफर करना है, रात में आके वो व्यक्ति थक जाते हैं, सो जाते हैं, उनको उनके अंदर किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिजायर नहीं बचती है, यदि वो कभी कोशिश भी करते हैं तो पूरी तरह इरेक्शन नहीं होता है, तब उस कंडीशन में काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। 6x पोटेंसी में चार चार टैबलेट्स पेशेंट के सिम्टम से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ जरूर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि काली फॉस का उपयोग हमें जनरल टॉनिक के रूप में जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
यदि हम इसकी एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा एग्जॉशन के कारण हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बचती है, मतलब उनको यदि जब कभी वो लौट के कहीं से आए हैं काम करने में और उनको एक गिलास पानी उठाने में भी उनके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस होती है और ये सब होता है प्रोस्ट्रेशन के कारण। तो काली फॉस का जो ओवरऑल हम यदि एक ओवरव्यू देखें तो हमें ये समझ में आता है कि प्रोस्ट्रेशन ही इसका एक मेन सिम्टम है, नर्व का पावर में कमी इसका एक बहुत ज्यादा बड़ा सिम्टम है और नर्वाइन टॉनिक की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो यदि हम चाहें तो हम इसे 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, दो दो बूंद दिन में 4 बार या दो दो बूंद दिन में 3 बार कुछ समय तक, और यदि हम 6x पोटेंसी में यूज करते हैं तो इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार या सुबह शाम पेशेंट की कंडीशन और उसके सिम्टम्स की इंटेंसिटी को देखते हुए हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना।